सो हाय गाइस, कैसे हो आप सब? होप सो सभी ठीक होंगे। आप लोगों का मोस्ट वेलकम मम्मी के यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है मालती जी का ब्लॉग्स एंड किचन। एंड मालती जी किचन में ही है। हाय दोस्तों। सो गाइस, आज का जो ब्लॉग है वो फेस्टिवल के ऊपर है। हमारा आज एक त्यौहार है जिसको गांव में बुधवारी बोलते हैं, ठीक है। उसी की तैयारी में दोनों मामियां लगी हुई हैं। तो ये सिलवट्टे पे मेरी मामी चना पीस रहे हैं, गुड़ पीस रहे हैं, पता नहीं क्या पीस रहे हैं। और यहाँ पर दूसरी मामी पिंक साड़ी वाली, ठीक है, वो आटा निकाल रहे हैं। तो ये आटे का पूरी बनेगा, ठीक है। एक बनेगी दाल वाली पूरी, एक बनेगी गुड़ वाली पूरी। तो इन दोनों की ही तैयारी की जा रही है। ये आज का जो पूजा होएगा ना, इसमें सुबह से फास्ट रखा ये गुड़ है, ठीक है। इसको अब आटे में डालकर एंड इसको फिर अच्छे से मैश करेंगे और फिर आटा गूंदते हैं, जैसे वैसे ही गूंदा जाएगा। फिर उसके बाद में जैसे नॉर्मली पूरी बनाई जाती है, वैसे पूरी बनाई जाती है। ये त्यौहार में पूरे दिन फास्ट रखना होता है और शाम के टाइम पर पूजा वगैरह करके देन फिर खाना खा लेते हैं। तो उसी की तैयारी में आज ये बन रहा है। और इस त्यौहार में ना, इस फेस्टिवल में ज़्यादा कुछ नहीं बनाया जाता, बस दो तरीके की पूरी, एक दाल वाली, एक गुड़ वाली, ठीक है, और ऊपर से एक खीर। बस ये तीन चीज़ें बनाई जाती है एंड शाम के टाइम पे बहुत सुंदर तरीके से पूजा की जाती है और कुछ कुछ चीज़ें चढ़ाई भी जाती हैं। तो उसी में लगे हुए हैं दोनों मामियाँ। ये दाल वाली पूरी भर रहे हैं, उधर जो दूसरे थाली में है वो गुड़ वाली पूरी है, ठीक है। क्या हो रहा है कुदरत? गलत बात ना, गलत बात ना, ऐसे नहीं करते ना। सो चलो गाइज, जिस चीज़ का इंतज़ार था वो घर ही आ चुकी है और अब यहाँ पर तैयारी होने लग रही है पूजा की, ठीक है। उसी के लिए यहाँ पर ये त्यौहार ना कुल देवी देवताओं की मनाई जाती है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर मम्मी ने केले के पत्ते तोड़ के लाए थे, उसको धो धा के अच्छे से साफ़ करके यहाँ रख दिया गया है। एंड थोड़े थोड़े टाइम पर सारी चीज़ें लाई जा रही है जो कि पूजा में यूज़ होना है ना। तो पूरियाँ वगैरह, ठीक है, ऊपर से मम्मी धूप अगरबत्ती वगैरह ये सब उतार रहे हैं। और फिर इसकी पूजा विधि के लिए ना, जो फास्ट रखते हैं वो ही बैठते हैं इसमें, ठीक है। बाद में सारे आशीर्वाद लेने आते हैं। तो मम्मा ने बहुत बहुत सारी चीज़ें इसमें रखनी है चढ़ावे के लिए। तो आपको दिखाएंगे कि हमारे साइड में कुल देवी देवता को, वैसे हमारे कुल देवता का नाम है कुंवर बाबा, ठीक है, उनकी पूजा की जाती है इस त्यौहार में। तो गाइज, आज के दिन में मेरे चाचा भी आए हुए हैं, ठीक है, और वो मम्मा दोनों बैठ के डिस्कस कर करके पूजा की तैयारी में हेल्प करवा रहे हैं चाचा। तो ये जो लोटा है ना, सुबह मेरी मम्मा ने ना बहुत सारे फूल वगैरह तोड़ के, फ्लावर्स को तोड़ के माला बनाया था, ठीक है। एंड इसमें फ्रेश फूल वगैरह तोड़ के माला बनाया जाता है। तो हमारे घर के पीछे बहुत सारे फूल हैं, मम्मा ने बहुत सारे फूल लगाए हुए हैं। तो वो लोटे को उसमें राउंड करके एंड पहले नीचे चावल रखा है, ऊपर से लोटा रखा है, फिर साइड साइड में फूल का माला बना के रखा है। उसी के साथ में ये जो आप लगकर देख रहे हो डंडी सी, ये इसमें जो भी हमारी चढ़ावे की चीज़ें होंगी ना, वो इसमें बांध के फिर मतलब चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो गिलास भी देखा था आपने, एक गिलास में कच्चा दूध है गाय का और दूसरे गिलास में आपको मिलेगा इलायची का पानी, ठीक है। तो यहाँ पर सारा कुछ छूत अछूत जिसको बोलते हैं वो वाला सामान है, सारे के सारे न्यू फ्रेश तरीके से। रही बात यहाँ पे जो दाल की पूरी और आप छोटा सा एक ब्राउन कलर का देख रहे हो, वो गुड़ की पूरी है प्लस खीर। तो खीर भी बिल्कुल कच्चे दूध का और सूखा बनाया गया है, ठीक है। और इसको बना के एंड मम्मा ना 9 पूरियाँ निकालेंगी। जोड़े में पूरी रखा जाता है यहाँ पर, एक लोटे के ऊपर रखा है, बाकी 8 नीचे हैं, ठीक है, गोल गोल करके वो नीचे रख रहे हैं। तो मैंने देखा हुआ है इस तरीके से मम्मी को कई बार पूजा करते हुए, तो इतना पता है, बाकी आप देख ही रहे हो, ठीक है। तो हमारे साइड में ऐसे पूजा की जाती है। उसी के साथ में फिर लड्डू वगैरह रखा हुआ है, फूल वगैरह रखा हुआ है, सारा कुछ चढ़ाया जाएगा। काफ़ी सुंदर लगता है जब ये बन जाता है ना। तो जितने पूरियां रखी हुई हैं उतने ही लड्डू भी रखेंगे, ठीक है। तो बस हो गया, अब ये पूजा करेंगे। मम्मा यहाँ पर टीका लगा रहे हैं, यही टीका फिर सबको लगेगा माथे पे। एंड उसी के साथ में यहाँ पर ओरियो को हमने रूम में बांधा हुआ है, नहीं तो फिर वो ना एक्साइटेड हो जाता है सब चीज़ें देख के बहुत ही ज़्यादा।
और दिया वगैरह भी जला दिया, तो उस चीज़ में फिर और ही एक्साइटेड हो जाता है। तो यहाँ का सोफ़ा हटा के उधर रख दिया है। यहाँ पर अब मम्मा सब चीज़ को टिक्का लगा रहे हैं, ठीक है, तिलक। इसके बाद ये जो फूल है इसको चढ़ाया जा रहा है इस पर। गाइज आप देख सकते हो कितना सुंदर मम्मा ने उसको मतलब वो चढ़ावे को डेकोरेट कर दिया है, ठीक है, जो चढ़ाना है उसी के साथ में। यहाँ पर मम्मी ने साड़ी चढ़ाया हुआ हमारे कुल देवी के लिए, ठीक है, और यहाँ पर उनके सिंगार का सामान है, ठीक है, जो भी सिंगार की चीज़ें होती है ना, नेल पेंट, बिंदी, सिंदूर, चूड़ियाँ, सारी चीज़ें। और जो चढ़ावे में साड़ी रखा है ना मम्मा ने, वो उसमें भी पूरी सेट है, ब्लाउज़ पीस है, पेटीकोट पीस है, तो पूरी चीज़ें रखी हुई हैं, ठीक है। देन ये चीज़ें हो गई हैं, अब पूजा हो चुका है, अब यहाँ पर चढ़ावे की चीज़ें हो चुकी है, अब यहाँ पर धूप अगरबत्ती दिखाया जाएगा, देन फिर डन हमारा पूजा हो जाएगा। उसी के साथ में अब हमारे जो ये बुधवारी पूजा है ये ख़त्म, मतलब फिनिश हो जाने के बाद में मम्मा खाना खा सकते हैं, ठीक है, जो भी पूरी वगैरह बना है ना प्रसाद वो खा सकते हैं। एंड आफ्टर देन जो ये चढ़ावा हुआ है ना, फिर ये भी हम प्रसाद के रूप में सबको बांटेंगे। तो गाइज हमारे साइड में इस तरीके से कुल देवी और देवता जी की पूजा की जाती है, ठीक है, आपके साइड कैसे करते हैं प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। और अब बारी आ जाती है जो दो गिलास में मम्मा ने रखा हुआ था ना, एक में कच्चा दूध रखा हुआ था, ठीक है, मम्मी चाचा से पूछ रही है कैसे क्या करना है, तो यहाँ पर कच्चा दूध गेर के एंड उसी के ऊपर गिलास रख दिया। फिर यहाँ पर ये पूजा करने के मतलब राउंड राउंड करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा इलायची का पानी गेर के इसी को उसके ऊपर रख देना बस जी। अब मम्मा आशीर्वाद ले रही है हमारे कुल देवी देवता जी का, एंड धीरे धीरे फिर सभी आएंगे और एक एक करके आशीर्वाद लेंगे। तो अब बारी, तो मम्मी के आशीर्वाद लेने के बाद में आए हैं मेरे पापा, पापा ने आशीर्वाद ले लिया, उसके बाद आएंगे चाचा जी, तो मेरे चाचा जी ने भी आशीर्वाद ले लिया, माथा टेक लिया, एंड चाचा ने कुदरत को भी उतार दिया। कुदरत का ध्यान तो पूरी तरीके से बस दिए पे ही है, इसको लाइटिंग वाली चीज़ें बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती हैं, तो इनका भी आशीर्वाद लिया है चाचा, इतना स्वीट लग रहा है। कुदरत इधर देखो, नहीं देखेगी वो, दिया देख रही है। तो गाइज अब बारी है भैया की, तो घर में जितने भी मेंबर्स हैं ना सब एक एक करके आएंगे, आशीर्वाद लेंगे, ठीक है, माथा टेकेंगे, उसके बाद प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो अभी भैया थे, अभी पिंकी है, पिंकी ने भी आशीर्वाद ले लिया, उसके बाद में आते हैं भाभी, भाभी ने भी आशीर्वाद ले लिया, फिर मिलते हैं। अब आपको अच्छा लगा होगा हमारा ब्लॉग, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। यहाँ पे मम्मा ने सबको एक एक करके टीका भी लगा दिया है, कुदरत से स्टार्ट किया है, और ओरियो जी को भी, हमारे ओरियो को भी लगा है टीका। तो ये हमारा आज का ब्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय गाइज।